दोस्तों भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहां हर 100 किलोमीटर पे पहनावा, भाषा, खाना और संस्कृति पूरी तरह बदल जाती है। उसी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है वेस्ट बंगाल, जो कि बहुत सारे इतिहासों और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट टॉप 10 में। तो दोस्तों आज बंगाल के 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसे आप आज से पहले शायद ही जानते होंगे, जैसे उसके बारे में कुछ कड़वे सच और कुछ नए फैक्ट्स। तो पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करके नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों बोला जाता है। कई लोगों का सोचना है कि बंगाल पश्चिम में है इसलिए उसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल का पहला नाम सिर्फ बंगाल था, लेकिन जब 1947 में भारत को आजादी मिली तो बंगाल का विभाजन धार्मिक रेखाओं के साथ हुआ, जिसमें पश्चिमी भाग भारत में आ गया जबकि पूर्वी भाग पूर्वी बंगाल नाम से एक प्रांत के रूप में पाकिस्तान में शामिल हो गया। लेकिन वही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश के नाम पे जन्म हो गया और तब से पूर्व में बांग्लादेश और बंगाल को पश्चिम बंगाल के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर एकलौते ऐसे लेखक थे जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा था, भारत और बांग्लादेश, जिनके लिए एक लाइक तो बनता है। बंगाल भारत का एरिया के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के नजरिए से ये 4था सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 3 देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान समेत 5 राज्यों से अपने बॉर्डर को साझा करता है, जहां लगभग 1000 पुरुषों पर 950 महिलाओं का अनुपात है और बंगाली लड़कियों को विश्व में सबसे आकर्षित लड़कियों का राज्य बोला जाता है। साथ ही बंगाल में कुल 23 जिले हैं, जिसका सबसे बड़ा शहर कलकत्ता को माना जाता है। नंबर 3, क्या बंगाल एक गरीब राज्य है। दरअसल बंगाल की गरीबी को हम इससे समझ सकते हैं कि अगर देश में कुल 4 लाख भिखारी हैं, तो उसमें से 1 लाख भिखारी बंगाल में मौजूद, और ये बात हम नहीं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रही है। और इसके अलावा 20,000 से ज्यादा बंगाली हाथ वाले रिक्शे के साथ अपनी जिंदगी काट रहे हैं और लगभग 75% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं, जिनके पास कोई नौकरी मौजूद नहीं है आज। वैसे कलकत्ता पहला ऐसा भारतीय राज्य था जहां आईटी हब की बात की गई थी, पर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु, उन्होंने क्या बोला, भैया अगर कंप्यूटर आ गया तो सारी नौकरी चली जाएगी। और 1980 में उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और बेंगलोर ने पकड़ लिया, और आज उसका असर देख सकते हैं आप। बेंगलोर में अगर 100 नौकरी आती है तो उसमें से 30 लोग बंगाली होते हैं उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। हालांकि अगर ज्योति बासु ने उस समय वो प्रस्ताव रिजेक्ट न किया होता तो शायद बंगाल आज इस स्थिति में न होता। नंबर 4, पश्चिम बंगाल एक राज्य के रूप में भारत में 1947 में शामिल हुआ था, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसको 1800 से पहले का बताया जाता है और ये लगभग 330 मीटर लंबा है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में ही मौजूद है, जिसे 1891 में इम्पीरियल लाइब्रेरी नाम से खोला गया था, और इस लाइब्रेरी में आज भी लगभग 2.2 मिलियन बुक्स, 86,000 मैप्स और 3200 से ज्यादा पांडुलिपियां मौजूद है। और बंगाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1806 में इम्पीरियल बैंक के नाम से स्थापना हुई थी। नंबर 5, लैंड ऑफ रेनेसेंस। दरअसल बंगाल को पूर्ण जन्म की भूमि कहा जाता है, जिसने आज तक कई समाज सुधारक और जनता के ज्ञान के लिए अपना योगदान दिया है और समाज के लिए एक बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाया है, जिसमें से कुछ नामचीन हस्तियों का नाम है सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर। साथ ही बंगाल के लोगों का मानना है कि वो सिर्फ लिखने या गाने का ही काम करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 5वीं क्लास से ही लिटरेचर, पोएट्री, डांस या म्यूजिक में से किसी एक को चुनना एकदम अनिवार्य कर रखा है, जिस वजह से हमें आज तक कई बड़े बंगाली कलाकार भी मिले हैं, जैसे कि श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, कुमार सानू जैसे कई बड़े कलाकार बंगाल ने दिए हैं। नंबर 6, राजनीति। बंगाल में 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1977 तक कांग्रेस का राज रहा है। उसके बाद 21 जून 1977 को पहली बार सीपीआई पार्टी चुनी गई, जिसमें ज्योति बासु को मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने 21 साल तक बंगाल पर राज किया। हालांकि उसके बाद भी 10 साल सीपीआई रही, लेकिन जब बंगाल के लोगों को समझ आया कि बंगाल में ना ही कोई अब इंडस्ट्री और ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, तब जनता द्वारा उन्हें नकार दिया गया और तभी टाटा ने बंगाल में एंट्री मारी और रतन टाटा ने सोचा
हम उठाएंगे बंगाल को। और रतन टाटा ने वहाँ की जमीन लेने के बाद 1000 लोकल लोगों को नौकरी देने का वादा किया। और तभी ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। उनका कहना था कि जमीन भी हमारी और सिर्फ 1000 लोगों को ही नौकरी। ऐसा बोलकर उन्होंने कई किसान और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लिया और कई दिनों तक धरने पर बैठी रही, जिसके कारण टाटा को बंगाल छोड़ना पड़ा और उसका फायदा ममता बनर्जी को अगले चुनाव में मिला और लोगों ने उन्हें मसीहा समझकर मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि पिछले 10 साल से बंगाल को संभाल रही है, जहां पर 42 लोकसभा और 16 राज्यसभा की सीट मौजूद है। नंबर 7, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी फुटबॉल लीग हो, आपको कभी भी कोई बंगाली नहीं मिलेगा जिसे टीम और लीग के तथ्यों के बारे में कुछ पता ना हो। दरअसल बंगालियों में फुटबॉल बुखार वास्तव में काफी प्राचीन है, जो भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब मोहन बगान से लेकर सौरव गांगुली पिचिंग एथलीटो द कोलकाता इस बात को प्रमाणित करता है। साथ ही विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, जहां 1997 में फेडरेशन कप का सेमीफाइनल भी खेला जा चुका है और उस वक्त 1,31,000 रिकॉर्ड दर्शक मौजूद थे। इसी फुटबॉल प्रेम ने भारतीय फुटबॉल टीम को पीके बनर्जी और कृष्णु दे जैसे महान फुटबॉलर दिए हैं। नंबर 8, चावल की खेती के मामले में बंगाल सबसे पहला राज्य है देश का, जो पूरे देश का चावल का 15% की पूर्ति करता है और बंगाल देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। हालांकि इसी वजह से वहां की फेवरेट डिश भी फिश कड़ी है। और आप अगर बंगाल में जाकर वेजिटेरियन खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको वहां पर मछली जरूर मिलेगा, क्योंकि बंगाली मछली को पानी का फल मानते हैं। दरअसल बंगाल में चावल की खेती से लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों का घर चलता है, जहां पर चावल के 5,000 किस्मों के वैरायटीज पाए जाते थे, पर कई वैरायटीज दोषपूर्ण कृषि प्रथाओं की वजह से आज खत्म हो गई है। नंबर 9, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र में घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो कि 2,258 मीटर यानी 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे हिमालय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे ब्रिटिश शासन में 1889 में बनाने की शुरुआत की गई थी और 4 अप्रैल 1881 को संचालित कर दिया गया था। उससे पहले कलकत्ता से दार्जिलिंग जाने में 5 से 6 दिन लगते थे। हालांकि ये टॉय ट्रेन सेवा है, जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक फैली हुई है और आज ये दार्जिलिंग का सबसे बड़ा पर्यटक का केंद्र है, क्योंकि ये कंचनजंगा के प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक धीमी ट्रेन की सवारी प्रदान करता है। नंबर 10, इसी तरह बंगाल के बारे में एक कड़वा सच भी जान लेते हैं, जहां गुजरात देश का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इंडिविजुअल इनकम में आता है, जो कि 2,15,000 रुपए है। वहीं बंगाल की पर कैपिटा इनकम 1,15,000 है, जो कि गुजरात की आधी भी नहीं है। हालांकि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये वही राज्य है जहां देश का पहला बैंक और SBI जैसे बैंकों का जन्म हुआ था। पहले हर विदेशी कंपनी ये सोचती थी कि भारत में सफल होना है तो बंगाल में बिजनेस करो, और आज उसी राज्य के बारे में जानकर हैरानी होगी कि आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी बोलता है कि देश में सबसे ज्यादा अगर औरतों को बेचा जाता है या बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है तो बंगाल इस वक्त उसमें नंबर 1 पर आता है, जिसका मुख्य कारण है बंगाल की आज भी 1/4 आबादी यानी 75% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी राज्य या समुदाय की बुराई के लिए नहीं, बस नॉलेज के लिए बनाया गया है, क्योंकि बंगाल भी एक भारतीय राज्य है और सभी राज्य बढ़ेंगे तभी अपना भारत बढ़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कोई भी अपने दिल पे ना ले, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।